समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणन ध्यान धरनम कुल समोहोदारणम एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परम सत्कार जो गुरु प्यारी, परम सत्कार जो धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज पर विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरदेव गिरी जी महाराज सतगुरु रविदास चरण च बैठी समूह सत्संग जीओ, आप सब नो जय गुरुदेव जय श्री रविदास जी। भैरो बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो बाणी का शब्द लिया है, बिन देखें उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए विनाशा। सह श्री गुरु रविदास महाराज जी अपनी पवित्र बाणी दे विच उस प्रभु मिलन की गल करते हैं, ईश्वर दे मिलन की गल करते हैं, परमात्मा दे नाल किस तरह मिलिया जा सकता है। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सतगुरु जी अपनी बाणी विच कहिंदे ने बिन देखे उपजे नी आसा। सतगुरां ने बेशक अपनी बाणी दे विच ये गल कही है कि पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। कि जो ये इंसानी चोला है ये प्रभु दे नाल मिलन का एक अवसर मिलिया है, एक टाइम मिलिया है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ, ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਫਰੂਟ ਤੋ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ ਦੀ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਹਾਂ ਆਸ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈ, ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਊ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕੇਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਕੇਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨਕੇਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ,
बड़े प्यार ना समझाते हैं वर्ण सहित जो जापे नाम सो योगी केवल नहीं काम। वर्ण सहित जो उस परमात्मा दिया सिफतां नूं जान के जो उस परमात्मा दे गुणां नूं जान के कीड़े गुना ऐ सारे गुण जो असी देख रहे इस सृष्टि एक कायनात। मैं सुबह ही जदों आश्रम विच आया ते अजीबो गरीब फुल बने हुए ने, मालिक ने ना जाने कित्थों कित्थों लिया के रंग भर उस कायनात नूं धुंधला कर दिता। उस कुदरती नजारिया नूं भी इंसान ने धुंधला किया होया। देखण नूं कुदरत बंदे नूं हैरान कर दिंदी। व्यासिक आरफ ने बड़ा सुंदर कहा कि अवल अकल दे नाल विचार खातों काया कोठड़ा कौन बनाउन वाला पंज तत दा कुल पसार के दा भूत विच पौन वाला हाथ पैर मूह नक ते कन दित्ते सोने दंदा दी जड़त जड़ाउन वाला एक अंतरी केड़ा जम्मिया उंगली लाउन वाला वो कण विच जहान दे जम्मिया तों ऐसे रब नूं दिलों बनाउन वाला जिहदे विच अजिहे गुण हों जो बिना किसी खास तों दा नाम जपदा है उस परमात्मा दे इन्हां गुणां नूं जाणदा हो जिहड़े कि दास ने किए हैं। जिहड़ा कुदरत नूं समझदा होया उहदा नाम जपदा है। पातशाह जी ने कहा निस कामना दे नाल मन दे विच इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनूं पैसा मिल जावे, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनूं धीआं पुत्तर मिल जाण। इत्थों तक जिहदे मन दी इह भी सोच नहीं है कि जो मैं नाम जप रहा पता नहीं ये गल लेखे च लगनी है कि नहीं लगनी है। जिस तरह हाफज जी ने कहा सी हाफज ओदे नाम दी दिंदा रह दुहाई अर्ज कबूल होवे के नहीं ये वत मूल ना लई। जेड़ा कदे ऐ भी सोच ना मन च लिया है कि जो मैं उदा नाम जप रहा लिखी च लगना है कि नहीं लगना। कई बार इस तरह होंदा है कि जिस तरह सानू सतगुरां ने तिना दा तरीका दस्या है असी उस ध्यान साध सिमरन नाम थोड़े दिन बड़ा चा जिहा सह रहा सानू। मैं भजन ते बैठना ध्यान लगाया ध्यान लग्या नहीं सानू समय बाद असी
मैनू भजन भी कुछ प्राप्त हो तो होया ने नाम सिमरना बंद कर जेड़े सिमरन ते बैठदे और ऐवें नहीं सोचदे कि मेरा सिमरन कीता लेखे च लगना है कि नहीं लगना। असी तां दुनियावी खास रख के नाम जपंदे आ ना कि मैनू ए चीज मिल जावे, मेरा इस तरह कार्ज रास हो जावे। बाई दी वे ओ सानू कुछ ना मिलिया तो असी दोष देना शुरू कर दिंदे। ओ मालक, मैं एनी देर ओदा नाम भी जपिया, उन मैनू ए चीज दित्ती नहीं। गुरु जी उन्हां दी गल गुरु जी गल करते ने उन्हां दी जिहड़े निरस्वार्थ ओदा नाम जपदे, वो पूर्ण संत। जो पूर्ण संत है, गुरु जी ने उदी बाबत लिखे है, रविदास पने जो जाने सो जान, संते अनंते अंतर नान। गुरु जी कहते ने दुनिया के लोग कुछ भी समझते रह, कुछ भी जानते रह, पर मैं ये समझ लिया, मैं प्रभु दे विच ते संतां च कोई फर्क नहीं। जिहड़े उस महा दे नाम नाल अभेद हो गए, संत ना समझ लैना, जिन्हां ने बाहरी संत पहनिया होया। दास ने पहला भी कई बार बेनती की है, इसकी यूनिफॉर्म कोई भी पहन सकता है, पर पुलिस वाला पुलिस का पास किया होया है यूनिफॉर्म पहन। संतां दी यूनिफॉर्म पहन के कोई संत नहीं बनता। संत बन वास्ते जो गुरु जी कह गए हन, उन्हां गुणां नूं अपनाना पवेगा। और वाकिया जेड़ा मालक दा प्यारा है, जो निरस्वार्थ उहदा सिमरन करदा है, वो मालक दे नाल अभेद हो जांदा। फिर उहदे च ते मालक च कोई अंतर नहीं रहिंदा। इतिहास दसदा है कि एक बारी सतगुरु रविदास जी की परीक्षा करने वास्ते प्रभु आप आए, ते जो सतगुरु रविदास जी उस परीक्षा च पास हुए, ते प्रभु ने गुरु जी नूं अपने गल नाल ला लिया। सतगुरु जी ने जो देखिया कि ये तो प्रभु सन, गुरु जी ने भी कलावा भर लिया। जदों गुरु जी ने भी कलावा भर लिया, हुण प्रभु सुटना चाहते ने तो सतगुरु सड़ते नहीं हन। आखिर प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए, तो गुरु जी ने बोले कि अरविदास तू मैं सड़ नहीं सी रहा, हूँ दस। गुरु जी कह लगे की होया प्रभु, तू मेरिया बाजमां चो निकल गया, हूँ मैं तेरी जरूरत भी नहीं रही है। हाँ क्यों कहते, हूँ मैं समझ आ गई है कादी, तू ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा।
मैनू ये समझ आ गई है, मैं ये जान गया हाँ कि तेरे और मेरे, मेरे और तेरे च कोई फर्क नहीं है। मालका मैं तेरा रूप हो चुका हाँ, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे ही रांझा हुई, सदो नी मैनु तीतो रांझा मैनु हीर ना आखे। ऐसे संत जेड़े जेड़े मालक दा रूप बन चुके ने, सतगुरु विदास वर्गियां शख्सियतां, जदों उन्हां नाल साडा मिलाप हो जांदा है, उन्हां नाल प्यार आ जांदा है, तो प्रभु नाल अपने आप ही प्यार आ जांदा है। इस कारण असीं सब तो पहला सतगुरु विदास जी ने कहा कि जिहड़ी नाल रब वर्गियां रूहां हन, जिहड़ियां रूहां प्रभु नाल अभेद हो चुकियां हन, उन्हां दी संगत करनी है। जदों उन्हां दी असीं संगत करांगे तो प्रभु नाल साडा अपने आप ही प्यार हो जाएगा जाएगा। गुरु जी कहते ने कि यह इंसान अपनी जिंदगी दे थोड़े पल कट के जो ऐसिया रूहां ने जेड़िया जे गुण है कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, ऐसिया रूहां की संगत जरूर कर, प्रभु का प्यार अपने आप ही आ जाए। जिहड़े लोग प्रभु की होंद ते यकीन नहीं करते सच्चे ने, क्योंकि जितनी देर तक देखिया ही नहीं किसी नूं उतनी देर तक उहदा प्यार पैदा नहीं, इसी करके वह लोग प्रभु की होंद ते यकीन नहीं करते। पर गुरुआं लोगों ने प्रभु की होंद ते यकीन क्यों किया? जिस तरह गुरबाणी चाया नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, मैनू चलाउन वाला भी कोई है, ये पूरी कायनात नू चलान वाला कोई है, ये किन्ना ने जानिया? संतां ने, जिन्हां ने प्रभु वर्गियां ताकतां दी संगत कीती, उन्हां नाल प्यार कीता, फिर उन्हां दा प्रभु नाल भी प्यार हो गया। आओ असी भी ऐसिया महान ताकतां ढूंढ के उन्हां दी संगत करनी। ये नहीं है कि ऐसिया रूहां है नहीं, लेकिन है बहुत घट। जिस तरह बड़ा सुंदर लिखे है सिंगों के, जेड़े सिंह ने हंसों की नी पार, लालों की ना बोरियां ते साध ना चले जमात। सिंगां दे इज्जड़ नहीं, शेरां दे इज्जड़ नहीं, इज्जड़ पेड़ां बकरियां दे हुंदे। इस तरह लालां दियां बोरियां नहीं हुंदियां, बोरियां जेड़ियां ने उह कौड़ियां दियां हुंदियां। हंसां दियां डारां नहीं हुंदियां, डारां बगलियां दियां कावां दियां हुंदियां। इसी तरह संतां दियां बड़बड़ियां वड्डियां जमातां नहीं हुंदियां कि 4000 संत इकट्ठा मिल जाएगा। किते किते पाया जांदा है, जिस तरह हंस मान सरोवर ते पाया जांदा है। तो ऐसे संतां असी संगत करनी होवे, उन्हां दा प्यार आ जाएगा, प्रभु का प्यार अपने आप। पासा जी ने फिर अपनी वाणी च अगे फरमाया, पर पर जय राम
सतगुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने कि ऐसे संतां दी संगत करन दे नाल इंसान च कैसा बदलाव आ जाता है, कैसी तब्दीली आ जाती है। अपनी बाणी च कह रहे हैं पर जे राम पर जिस तरह एक लोहे नाल लगा दे वो उदा सोना बन जाता है, जो सोना बन जाता है तो पारस उस लोहे नु डर नहीं रहिंदा कि मैनू जंग लग जाएगी चाहे मैनू घुन खा जाए। इसी तरह ऐसे महापुरुषां दी संगत करन दे नाल ये जीव दियां भी सारियां चिंता खत्म हो जांदियां ने, इहनू ना नरकां दा डर रहिंदा ना जम्मां दा डर रहिंदा। गुरु प्यारी सतसंगत जीओ, महापुरुषां दी संगत करन दे नाल ये सारे डर खत्म हो जाते। बड़ा सुंदर लिखे है, सोना कब्बू ना लाग लोहा काई ना खाए, बुरा भला जो गुर भगत कब्बू नरक ना जाए। असी चाहे बुरे सां भले सां, जदों ऐसे महापुरुषां की संगत असी कर लेंगे तो सानू नरकां दा जम्मां दा कोई डर नहीं रह जाए। ऐ कदे भी सोचना मैं बुरा इंसान हाँ, मैं उन्हां दी संगत दे विच जा करके मैं सोना नहीं बन सकता, पारस दे नाल कोई भी लोहा लग जाए वो लोहा मंदर दा ते चाहे कसाई दे घर दा, जिहड़ा भी लोहा पारस दे नाल जुड़ गया उस सोना बन गया। इसी तरह जिहड़ा महापुरुषां दे चरणां नाल जुड़ गया, सतगुरु रविदास जी दे चरणां नाल जुड़ गया उन्नू भी कोई चिंता नहीं रहेगी, ना जम्मा दी ना नरकां दी। कही रविदास इस जात ना जन्म ना जोनी काम, जो मेरे चरणा नाल जुड़ के गुरु जी मेरा नाम जपेगा उन्नू ना नरकां दा डर ना जम्मा दा डर ना गाउं दा डर, उते सारे डर खत्म। तो कोशिश करनी है असी सतगुरु रविदास जी ने जुड़न की, उन्हां दे चरण उन्हां दा शब्द है, जो सानू उन्हां ने शब्द दिता है वो ही उन्हां दे चरण असी जुड़ना है, संगत च जाना है। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, ओ मन मन की दुविधा खाए, मन का स्वभाव सब करे
जिस तरह मन ने किया उस तरह कर ले। मन ने किया मैं नचने ते नच ले, मन ने किया ते गा, मन ने किया गाऊं लिया, मन बैठे हुए सा सामने टीवी लगा हुआ, चाह पीन लग गए तो चाह पीते पीते एक सेवादार बोलिया कि रवि थोड़ी जी आवाज टीवी दी वधाना, खा लेना चाहिए। मन कहता है मैं कुछ पीना ते पी लेना चाहिए, जो मन कहता है कर लेना चाहिए। पहला इन संतुष्ट कर लो, फिर नितड़क हो कि सिमरन के बैठ। बड़े वधिया ढंग दे नाल उसने एक गल नूं दस्या, जदों तो सेवादार बोले कि हर संत कहिंदा मन दे पीसे नहीं चलना, ये कहिंदे ने कि जो मन के कर लेना चाहिए ता ही इसनूं तसल्ली होगी। मैं ठीक है कि अपनी सोच हो सकती है, लेकिन साडे गुरुआं दी नहीं। साडे गुरुआं दा कहना है कि मन जो मंगदा है इनू दे दिता जाए, उहदे नाल ही संतुष्ट होने वाला नहीं है। अग्नि बल रही है, कई अग्नि जितनिया लकड़ा मंगती है दे देवो, तुसी ज्यों ज्यों अग्नि ते लकड़ा सुटती जाओगे उहदे पांबड़ वधदे जाने ने। इस तरह ज्यों ज्यों मन दे पीसे चलांगे मन का फैलाव वधदा जाता है। असी देखते ही हाँ, कच्चे घरां च रहिंदे सां, साडे मना च आया कि किते पक्के हो जाए, फिर पक्के हो गए, फिर मन चाहता है लेंटर पै जाए, लेंटर पै गया, फिर मन कहता है किते पहला पहला चिप्स का रवाज सी कि सादा फर्ज नहीं मैं चिप्स पाउनी है। ते अज असी देखते हैं जिन्हें चिप्सा पवाइया उन्हों तड़ा तड़ा के उदे ते जां तां मार्बल वधिया ला रहे ने जां फिर टाइल वधिया लगा रहे ने। संतुष्ट फिर भी नहीं है मन, फिर भी रुकना नहीं है, अगे वधदा जाना। अग्नि नूं साथ करना है, लकड़ा नाल नहीं होनी, ना ही तेल पा के अग्नि साथ होनी है। अग्नि लकड़ा मंगती है दे दिया, अग्नि ने तेल मंगया देता, अग्नि साथ नहीं होएगी। अग्नि कदों साथ होएगी जदों उहदे ते शीतल जल पा दे। इसी तरह मन कदों शांत होएगा जदों मालक दे नाम नाल जुड़ेगा। जे कहो कि दुनिया ने समान दे करके मैं मन नूं शांत कर लवा, इनू रोक लवा, तो कदे नहीं रुकदा, इहदा फैलाव वधदा ही जाता।
जिहड़े लोग मन दे पीछे चले रे मन ने उन्होंने बर्बाद करके रख इस करके बड़ा सुंदर किसी ने कहा ये मन के मते मत चली है ये मन के मते आने ये मन के मारे मर गए के पंडित मुल्ला से मन ने बड़बड़िया बर्बाद कर दिया जेड़ा गुरु चरणा नाल जुड़िया जिन मन गुरु नू दे दिता फिर वो जेड़ा जीव है मन दे पीसे नहीं चलता मन नू अपने पीसे चलांदा मन कहिंदा सुबह थोड़ा होर सौ लैंदा हाँ पर गुरमुख कहिंदा नहीं उठ जा इसे नाद कर ध्यान साधना ते जुड़ गुरु प्यारी साध संगत जीओ ए ओही रूहा कर दिया ने जेड़िया गुरु चरणा नाल जुड़ती असी गुरु चरणा नाल जुड़ के मन दे पीसे नहीं चलना गुरु दे पीसे चलना ता ही गुरमुख बना जेकर नाम लैके भी गल असी मनदी ही मनदे रहे ते असी गुरमुख नहीं हाँ असी मनमुख हाँ असी गुरमुख बनना इसी करके ता गुरु जी ने कहा सी कि बचनी तोर मोर मन माने जन क्यों पूरन दीजे ऐ सतगुरु कृपा करो बख्शस करो मैं तेरे बचना नु मन सका जो कर सका ये मेरा करो तो असी गुरु दे बचना ते चल के गुरमुख बनना है असी मनमुख नहीं रहना है अपनी बाणी चंगे फरमाउंदे मिल जाएगी फिर उसे माड़ी कर्म करता जाके
ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੱਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਹੈ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੈ ਆਵੋ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਏ, ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਬਣ, ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਬਣ, ਕਰਮ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੱਥ ਘੜੀ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ। ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਰਮੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਹਿ ਕਰਮੇ ਨਾਸ। ਹੈ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੋਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ
सानू देवो गरीब नू ना दवो साडी चरणा च लिया के रखो नहीं। सतगुरु जी कहते ने कि सेवा करनी है बेसहारे। और मैं अच्छा लग रहा है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के उपदेश से जेड़े इतने सेवादार ने लोगों चले हुए जेड़े कि रोजाना ही कोई हजार परिवार खाना बना के पहुँचा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे उन्हां दियां तंदुरुस्तियां रहन। कहन दा भाव कि ऐसे कर्म असीं करने ने, असीं कर्मां दी जकड़ च नहीं फसांगे। पातशाह जी अगे फरमांदे गृत कारण फिर उथे ही आ गए हैं। सबद की शुरुआत हुई सी प्रभु ने मिलन की मिलाप की उदे नाल किस तरह हुई। गुरु जी कह रहे ने अपनी बाणी दे विच कि गिरत कारण तद मथे सियान जीवत मुक्त सदा निर्वाण कही रविदास परम विराग हृदय राम ना जप से अपार। गिर क्यों क्या सारे जानते हैं कि दुध दे विच क्यों है, पर सियान कोई सियानी बीबी वो दुध दे विचों क्यों कढ़दी है सारिया ने। जिस तरह इन्हां पंक्तियां ते दस ने पहला भी बहुत बारी दस्या होया कि सियानी बीबी दुध नूं पहला गर्म करती है, फिर खट्टा लगाती है, फिर दही बंद है उन्हूं रिड़कती है, उहदे चों मक्खन कढ लैंदी है, मक्खन नूं गर्म करके फिर उहदा घिओ बना लैंदी है। घिओ दी किस्म दुध तों बिल्कुल वक्खरी नज़र आउंदी। दुध सवेरे क्यों शाम को खराब हो जाता है, क्यों जितनी देर तक मर्जी प्यारे खराब नहीं हुए। दुध दे विच कागज पाओगे गल जाता है, घ्यो दे विच कागज पाओगे कदे नहीं गलता। दुध दे विच नमक पाओगे घुल जाएगा, कदी घ्यो दे विच नमक पा के देखना कदे नहीं। प्राप्त किते च हुआ दुध च, जिस तरह दुध च घ्यो है इसी तरह साडे अंदर परमात्मा। गुरु प्यारी सतसंगत जी है, पर इथों भी कोई सियानी रूही प्रगट कर सियानी आत्मा गुरु का ज्ञान लैके उन्होंने दसे हुए तरीके अनुसार ध्यान साधना करके अपने अंतर ही अंतर जो ध्यान टिका लेंदी है तो मालिक अपने अंदर प्रगट कर लेंगी।
उन्हां दा परम भुलेखा चुक जांदा है, उन्हां नूं समझ आ गई कि उह परमात्मा मेरे अंदर है। मीराबाई बड़ी देर तक भटकती रही, बाहर दियां भगतियां करती रही, सतगुर मिले, मीरा दा भटकना खत्म कर दिता और अपने अंदर ही उसनूं परमात्मा दस दिता। ते उन्हें कहा, मिले रह दास गुर पूरे, ता तुर की कलम पिड़ी, सतगुर सहन दिया मुहिया कै जोत जोत से मिले। कि हुण मैनू गुरु मिलिया ते मैं मालक नूं जान लिया, समझ लिया। गुरु प्यारी सतसंगत जीओ, वाकया ही जदों साडी जिंदगी दे विच सतगुर रविदास महाराज जी का शब्द आ जांदा है और उन्हां दे तरीके अनुसार असी ध्यान साधना करते हाँ, तो वाकया उस मालक नूं असी पा लैंदे हाँ, साडा परम भुलेखा खत्म हो जांदा है। गुरु जी ने जो कहा सी, काबे और कैलाश में जिसको ढूंढन जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठी है मन माए, कि है इंसान वो तेरे अंदर ही है। ते जदों इन्हां अपनी अंदर की खोज कर ली, अपने अंदर उस प्रकाश नूं देख लिया, जिस तरह गुरु जी ने सानू ध्यान साधना दे लई कहा, जदों भी सिमरन ते जुड़ना है तो ये सोच बना लेनी है कि मैं मालक दे घर नूं जा रहा हाँ, ऐ सोच बना लेनी। और जिस तरह दही नूं रिड़कन दे नाल अपने आप मक्खन उपर आ जांदा है, इसी तरह नाम का सिमरन करन दे नाल तुहाडी चेतन सत्या शरीर तो सिमट के उपर आ जाएगी। हुण अंतर ही अंतर ध्यान लगा लवो। जदों अंतर ही अंतर असी ध्यान टिका दिंदे हाँ, तो साडे अंदर प्रकाश प्रकट हो जाता है। जां उस प्रकाश नूं इसने देखिया तो इस जीव ने कहता, फिर मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पसान, ऐ मन तू जोत स्वरूप है अपने आप नूं जान समझ। जदों समझ गया अपने आप नूं, फिर इहनूं पता चल गया कि रुकै उठी तोही मोही, मोही तोही अंतर कैसा, कणक कटक जल तरंग जैसा, ऐ मन का हुण मैं जान लिया समझ लिया। तेरी और मेरी, मेरी और तेरे च कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है जितना सोना ते सोने तो बने गहने च फर्क है। जिस तरह समुंदर ते समुंदर तो उठी लहर च फर्क है, लहर आखर समुंदर है, गहना चाहे जेवर आखर सोना है। मैं भी प्रभु तेरा ही रूप हाँ, मैं समझ गया हूँ, मैं जान गया। सो गुरु प्यारे सत्संग जीओ, जिहड़ियां रूहां गुरु जी दे शब्द दे नाल जुड़ गईयां, उन्हां दा परम भुलेखा खत्म हो जांदा है, उह प्रभु नूं पा लैंदियां ने। आओ असीं भी सतगुरु रविदास जी दे चरणां नाल जुड़ के उस मालक दा प्यार अपने मनां च लिया लै, ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵਜੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ
गुरु रविदास आओ सारे संतां आरती मंजूरी नाम तेरो आरती मंजर मुरारे हर के नाम दिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मंजर मुरारे हर के नाम दिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले जगारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे को चारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरे के ज्योत लगाए नाम तेरे के ज्योत लगाए प्यारो बुझे आरो पावन सगलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो ताका नाम फूल माला नाम तेरो ताका नाम फूल माला पारे अठार सगल जुटारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या हो तेरो किया तुझे क्या हो नाम लिया तू जब झूठे सगल पसारे दस अठाठ सठ चारे खाने दस अठाठ सठ चारे खाने यह बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती भजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम
बिन झूठे सरल असारी। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार, पाप पुरुष सब थक गए किसे न भरया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हिरदा दम करया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के प्राप्त उनको है सही सब गुरु जिन पर जाल। स्वास जाए परवान करो पुन पुन लायो बात, भगत जान में राग की करो अपना हाथ। विनती करो हाथ जोड़ की सुनो गुरु रविदास, कृपा कीजियो दास पे करो बोध प्रकाश। सोहग नाम जहाज गै चढ़ी से उतरी पार, जो शरदा कर सेध सतगुरु पाए उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार, चिता चमारी सिपाल पीक जी नाम देव कुलतार। नाम देव कुलतार जुगा जुग तारा भगत कबीर, जैन बहादुर सैन की संभोकर से बलवीर। रंका वंका बेलनी भगत विचारण वास, लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान, गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। सुनो हर सोही रासाड़ के करे आन की आस, तैयार को जिग जाएंगे सतवा के रविदास। ऐसा चाहो राज में ना मिले सवन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी जगत गुरु महाराज की जय, स्वामी गुरु दीप गुरु महाराज की जय, सब साज संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी।